पहले आपने इतना रुलाया और फिर जब आप हंसाने पे आए सर तो बुलबुले, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, इतना बड़ा शिफ्ट। बेसिकली हुआ ये कि 2009 में मुझे लगा यार मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन है, तो मैंने अपनी कंपनी बना के पैसे बचाने के लिए खुद इसमें एक्टिंग की। राइटर और डायरेक्टर को मैंने कहा भाई ये अप्रूव होगा तो दूंगा, मेरे पास तो अभी है नहीं, तो इस तरह करके मैंने वो स्टार्ट लिया। नवील भाई कितने पैसे लगे थे, कितने का बेचा था ये बता देता हूँ। बताएं। मैंने बेचा था 150,000 का। तो ये मेहनत दा असर है, आज तुसी लखां दा धागा ही लुआ लिया जाए करनू। अच्छा नवील भाई, बुलबुले का आगाज हुआ और आज माशाल्लाह वो अपने उस मुकाम पे है। तो एक लगाया हुआ एक छोटा सा पौधा जो एक तनावर दरख्त बन जाए। हाँ। और उसमें एक चीज, सॉरी मैं आपकी बात कता कलामी माफ कर रहा हूँ, एक जो लाइन थी मैंने बहुत जगह कहा भी है, वो आपके वालिद साहब की लाइन है। अच्छा जी। वो जो उसमें महमूद साहब को हमने दिया, शुरू में उनको समझ नहीं आ रहा था। जी जी। तो तुमने जो करनी है मतलब वो ये थी, वो शर्म है हमने जो करना, वो ये अलबेला साहब की लाइन। अच्छा। थिएटर में मैंने अलबेला साहब को करते हुए सुना था, तो मेरे वो मुझे बहुत, उन्होंने बिट बहुत अच्छी बनाई हुई थी कि वो बाबा जी शर्म करो। अच्छा काका मैं जड़ी करनी सी वो शर्म सी। उसी ड्रामे में वो कहते ना कि बाबा जी मैं उड़ती चिड़ी से पर गिन लना। अच्छा पुत्र जेड़े उस दिन गिनन दे सो पर। सर आपसे किसी ने ऑटोग्राफ मांगा और आपने निकाहनामा पर सिग्नेचर ही करवा लिए, ये आइडिया कहां से आया? एक्चुअली हाँ, मेरी शादी इस तरह हुई थी कि बेगम वहां मिली थी मुझे, ग्लासगो रेलवे स्टेशन है वहां उनसे मुलाकात हुई। एक तो ग्लासगो, ऊपर से उनके रेलवे स्टेशन। जी 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 जी। फिर भाभी। हाँ जी। फिल्म तो पूरी हो गई। तो वहां मुलाकात हुई थी, देन वो ऑटोग्राफ ही लेने आई थी, हमने निकाहनामा साइन करा दिया। अरे वाह क्या बात है। नवील भाई कोई ऐसा क्रश जो जिंदगी के किसी भी हिस्से में उजागर हुआ हो और आप बताना पसंद करते हो, और आज भी? और आज भी नहीं बताऊंगा। यानी कि अगर इस जवाब की खोज की जाए, इसे खोदा जाए, तो जवाब हाँ में है। है था, है, लेकिन बता नहीं रहा मैं। बता नहीं रहे। ये बात थोड़ा थोड़ा नहीं बता रहे कि थे, इसीलिए नहीं बता। देखिए अब गेम सारी था थे। उस पे आ गई है भाई। अच्छा आपका एक बड़ा ही खूबसूरत डायलॉग जो बुलबुले में बच्चों से लेके और बड़ों तक, यानी कि वो सुन के हंसी आ जाती है, वो जरा थोड़ा सा। अच्छा वो क्या, वो बस वो सिर्फ ये होता है कि महमूद साहब, लेकिन वो एक्सेंट इतना कमाल है। क्या बात महमूद साहब।